हेलो स्टूडेंट्स, हम एसपी का पहला चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने कॉरपोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड जो दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला तो अरेंजिंग और एक्वायरिंग फंड फ्रॉम सुटेबल सोर्स ऑफ फंड्स एंड सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंड एट द राइट प्लेस। मीन्स पहला तो ये कि एक सुटेबल सोर्स से एक सही तरीके से मतलब हम पैसे को अरेंज करें, कैपिटल को अरेंज करें, और दूसरी चीज़ क्या कि उसे यूज़ ऑफ फंड उसे अच्छी तरीके से यूज़ करे एट राइट प्लेस, एट द राइट प्लेस एंड फॉर राइट थिंग। ओके, मतलब कि जो आपने पैसे उठाए हैं तो उसको आप ऐसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो, जहाँ पे बिज़नेस को प्रॉफिट हो। ओके, यहाँ तक हम देख लिए थे, तो आज हम कहाँ से देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। तो एक बिज़नेस में कॉरपोरेट फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल प्ले करता है फाइनेंस, वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, एक बिज़नेस में, एक कंपनी में, या यूँ कहें एक फर्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारे जो डिपार्टमेंट हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी अच्छे से रन नहीं कर पाएगा, कोई भी चल नहीं पाएगा, कोई भी डिपार्टमेंट का ठीक से नहीं हो पाएगा, ना ही मार्केटिंग हो पाएगी, क्योंकि पैसे रहेंगे तो ही मार्केटिंग हो पाएगी। पैसे रहेंगे तभी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा और तभी परचेस कर पाएगा और तभी ह्यूमन रिसोर्स भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर फाइनेंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। तो हम पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा है। इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एक्टिविटीज़। जो मैंने अभी बताया वही सारी चीज़ें कि इन सभी चीज़ों का इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस इंटरप्राइज में। अमंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक्सट्रीम, अटमोस्ट मीन्स क्या, एक्सट्रीम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। अब उस क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, किस किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है इसका फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वो सारी चीज़ हम देखते हैं। एक मनी का, फाइनेंस का एंड फंड का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ओके, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जो ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लिए जाता है वो सब किस बेसिस पे लिया जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अगर कुछ भी काम डिसीजन लेना है फर्म में तो उसमें एक जो देख के लिया जाएगा कि हाँ उसके लिए हमारे पास पैसे हैं या नहीं है। ठीक है, अगर परचेस करना है कुछ चीज़ तो वो देख के, ये देख के वो करेंगे, सोचेंगे, डिसीजन लेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है, मुझे कितना प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना एक विदाउट फाइनेंस के, कोई भी जो फंक्शन है बिजनेस में वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, वो किस पर डिपेंड होता है, फाइनेंस पे डिपेंड होता है। ठीक है, एवरी डिसीजन इज द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। एवरी डिसीजन इन द बिजनेस, बिजनेस में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ये ध्यान में रखते हुए कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, ये दिमाग में रहता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी, जो हमारी अर्निंग है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, देयर मे बी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव बट द मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द बेस्ट वन विच विल इन्हेंस प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल ऑल्टरनेटिव होते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव मीन्स कि मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जिसमें से कि जो सबसे इन्हेंस प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारी जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा, जो उसकी अर्निंग को बढ़ाएगा, इन्हेंस करेगा, इंक्रीज करेगा, उसी ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया जाएगा। ठीक है, डिसीजन वहीं पे लिया जाएगा, उसी चीज़ पे लिया जाएगा जहाँ पे ये देख के, ये नज़र में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए कि हाँ इससे मेरी कंपनी को फ़ायदा होगा, इससे हमें फ़ायदा होगा। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियल वायबल। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रीन सिग्नल देती है किसी प्रोजेक्ट को जब वो फाइनेंशियल वायबल हो। ठीक है, वायबल मीन्स की केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। ओके, वर्केबल, वायबल मीन्स वर्केबल, जो बिजनेस के लिए फ़ायदा हो, वर्केबल हो। ओके, जिससे फाइनेंस उसके लिए सही रहे।
इनफ रहे। दस कॉरपोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसलिए जो फाइनेंस है, कॉरपोरेट फाइनेंस है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर न्यू वर्क के लिए तो हेल्प होता है कैपिटल को रेज करने में, ठीक है, कैपिटल उठाने में। सो जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा या कोई प्रोजेक्ट नया लाएगा तो उसके लिए, जब कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लाएगी तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यू मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए या कुछ अलग प्रकार की असेट्स चाहिए, तो उन चीज़ों के खरीदने के लिए, उन चीज़ों का परचेस करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली कैपिटल मीन्स फाइनेंस। तो उसके लिए क्या करेगा, जब कोई नया वेंचर स्टार्ट करेगा तो उसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इट नीड्स टू रेज कैपिटल। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। तो इन सब चीज़ों से वो पैसे फंड्स रेज कर सकता है, शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड्स से एंड लोन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखिए जो बिजनेस होता है उसमें बहुत बार नई नई चीज़ों पे रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है, अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट पे काम करना है, तो आपकी जो ओल्ड जो टेक्नोलॉजी है उसे आपको थोड़ा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, उसमें रिसर्च करना पड़ेगा, या जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, फाइनेंस की पढ़ लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप कुछ चेंजेस करोगे, जो आप कस्टमर को चाहिए, अगर आप थोड़ी उसमें चेंजेस करोगे, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट कस्टमर को है, मार्केट में जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके का, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करोगे तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। ओके, नहीं तो आप क्या होगा कि मार्केट में आपकी जो कंपनी है या फिर जो आपका बिजनेस है वो पीछे रह जाएगा। ओके, डिटेल टेक्निकल वर्क इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। जो टेक्निकल वर्क हैं वो भी जरूरी होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ लेंथी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम क्या है, ये ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन में हो जाएगा। रिसर्च करने के लिए, उस एनालिसिस करने के लिए, उसके बारे में उसके लिए जो टूल्स टेक्निकल यूज़ होंगे उस पर काम किया जाएगा, तो ये लेंथी प्रोसेस होता है। कभी कभी तो ये बहुत महीनों सालों तक चलता रहता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें तो पैसे लगेंगे ही, इतना लंबा चौड़ा जब प्रोसेस जाएगा तो उसके लिए पैसे आएंगे ही, लगेगा ही, तो फिर इसके लिए भी नीड होती है फाइनेंस की। दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये कंटिन्यूसली जब इसमें काम होता रहेगा तो यहाँ पे फाइनेंस सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मेनी अ टाइम कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। कई बार जो कंपनी होती है वो अपने जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसे अपग्रेड करना चाहती है। जैसे कि हम अभी फ़ोन देख रहे हैं, जो पुराने पुराने फ़ोन है अभी कैसे वो चेंजेस हो गए, सब एंड्रॉयड में ही आ गए हैं। ओके, या फिर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सब में न्यू जो जनरेशन के हिसाब से, न्यू जनरेशन जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे अपने प्रोडक्ट में भी चेंज लाते हैं कंपनी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जब कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा तभी उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा, नहीं तो वो नहीं खरीदेगा, और इससे क्या होगा, उन्हें लॉस होगा, कंपनी डूबती जाएगी। फॉर दिस कंपनी हैज़ टू कंडक्ट सर्वे, मार्केट एनालिसिस एट्सेट्रा विच अगेन रिक्वायर्स फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इसके लिए क्या क्या, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि सर्वे करना पड़ेगा, उन्हें एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत सारे उन्हें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए किस चीज़ की नीड है, फाइनेंशियल सपोर्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। मीन्स जो फाइनेंस होता है वो बिजनेस को स्मूथली रन कर सके, अच्छे से चल सके, इसके लिए भी फाइनेंस की नीड होती है। तो जब हमारे पास फाइनेंस अच्छे से होगा और हम अपना सभी काम बिना डिस्टर्बेंस के कर पाएंगे तो बिजनेस क्या होगा, स्मूथली रन करेगा। जैसे कि पढ़ते हैं, अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर पेड ऑन टाइम, लोन्स आर क्लियर्ड ऑन टाइम, रॉ मटेरियल्स परचेस्ड वेन एवर रिक्वायर्ड। देखिए जब आप टाइम टू टाइम सैलरीज एम्प्लॉयज़ को पे करते जाएंगे, लोन्स टाइम पे क्लियर होता जाएगा, जो रॉ मटेरियल है
वो भी जब आपको जब रिक्वायर है, जब उसकी ज़रूरत है, तब आप परचेस कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन आप कर पा रहे हैं, मार्केटिंग कर पा रहे हैं जो अभी आपका प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, तो आप उसे इफ़ेक्टिवली लॉन्च कर पाएंगे। कब? जब आपके पास फाइनेंस का सपोर्ट होगा, जब आपके पास इनफ एंड प्रॉपर फाइनेंस का सपोर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपका जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन करता रहेगा, इस उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। देखिए, जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या होता है, एक आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, वो सिग्निफिकेंट रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेशन, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस। एग्जाम्पल के लिए, प्रोडक्ट विल सफ़र, प्रोडक्ट सफ़र कर सकता है, कंपनी भी सफ़र कर सकती है, इफ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा पर्याप्त जो मनी है वो नहीं कर पाएगा, जब जब उसमें पैसे ही नहीं होंगे, तो फिर जब कंपनी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर पाते, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो स्मूथली रनिंग नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन की जो वो स्मूथली रनिंग नहीं हो पाएगी, स्मूथ रनिंग नहीं हो पाएगा उसका सेल्स। इसके दौरान ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफ़र। जब आप रॉ मटेरियल ही नहीं कर पा रहे हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, तो सेल्स कहाँ से होगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो इनकम है वो भी रुक जाएगी, तो ये क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट होगा, ठीक है? जो कंपनी की, सिंपल सा है कि जब कंपनी कंपनी के पास पैसे नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो फिर जब प्रोडक्ट नहीं बना सकता तो फिर सेल भी नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता तो पैसे भी नहीं आ सकते, तो इससे क्या होगा, उन्हें लॉस में जाएगी कंपनी, ठीक है? दस एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, सभी डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, बहुत इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी जो डिपार्टमेंट है इसी पे डिपेंड है। बिजनेस की जितने भी डिपार्टमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो सब डिपेंड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, फाइनेंस सपोर्ट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो बिज़नेस को एक्सपेंशन, एक्सपेंस होने में, एक्सपैंड होने में और डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है? फाइनेंस रहेगा प्रॉपर तभी क्या होगा, बिज़नेस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, अलग अलग वैरायटी ला सकते हैं। ओके, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि चेंजेस, वैरायटी लाना। देखिए, मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। वही चीज़ की जो आपकी पुरानी जो मशीनरी है वो अभी अगर न्यू जनरेशन के हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, न्यू टेक्निक्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको नई चीज़ों का यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड्स मनी टू परचेस मॉडर्न टेक मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो उसी के कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, उसकी वजह से हमें हम टेक्नोलॉजी और मशीन्स को परचेस कर पाते हैं, खरीद पाते हैं। Therefore, finance becomes mandatory for expansion and diversification of a company. यहाँ पे जो फाइनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी मीन्स क्या, एकदम कंपलसरी, नेसेसरी हो जाता है फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी को एक्सपेंड करने में, उसे डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, उसमें न्यू चेंजेस लाने के लिए, वैरायटी लाने के लिए यहाँ पे फाइनेंस बहुत ही एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैनेज रिस्क। कंपनी में रिस्क, मतलब रिस्क बेयर करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कलामिटीज़, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एट्सेट्रा। जैसे कि कुछ नेचुरल कलामिटीज मीन्स कुछ प्रॉब्लम आ गई, नेचुरल कलामिटीज हम सभी को पता है, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स जो भी होते हैं वो, उसकी वजह से अगर जैसे आग लग गई या फिर कुछ और कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से कुछ लॉस हो गया, तो उसे फिर से, मतलब कि उसमें उसकी फिर से भरपाई करने के लिए, अगर स्ट्राइक कर दिया, जो हड़ताल कर देते हैं मजदूर लोग, तो उनकी वजह से अगर जो लॉस हुआ, तो उसे मैनेज करने के लिए, और जो सेल्स कभी कभी एकदम सेल्स नीचे गिर जाता है, तो
उसे भी मैनेज करने के लिए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फाइनेंस की। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। कंपनी को ज़रूरत होती है फाइनेंशियल की इन सभी रिस्क को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेस ओल्ड असेट्स। असेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर। ओके, देखिए टाइम टाइम पे क्या होता है कि जब मशीन पुरानी हो जाती है तो वो काम करना भी बंद कर देती है या काम उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाती जितना कि उन्हें करना चाहिए, तो उसे रिप्लेस करने के लिए, नई मशीन लेने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें भी ही हेल्प करती है फाइनेंस। दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू असेट्स। वे न्यू असेट्स खरीद सकते हैं, पुराने असेट जो उनके हैं उसे उसे पुराने जो जूने हैं उन्हें हटा सकते हैं और नए खरीद सकते हैं। फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड टू परचेस न्यू असेट्स। फाइनेंस अगर है तो न्यू असेट खरीदा जा सकता है, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम अराइज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट। अगर पैसे हैं तो ही पेमेंट भी दिया जा सकता है, डिविडेंड जो जो भी जिसका भी जो पैसे रहेगा हम पे कर सकते हैं, डिविडेंड है वो, इंटरेस्ट है वो। तो फाइनेंस इज़ नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। जो डिविडेंड है वो किसे देना है हमें? शेयर होल्डर्स को। एंड इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स एंड बैंक्स। जो पेमेंट है वो किसे सॉरी जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो इंटरेस्ट है वो बैंक्स एंड क्रेडिटर्स को दिया जाता है। तो फाइनेंस की अब पैसा रहेगा तो ही ये सारी चीज़ें पे किया जा सकता है। टेंथ है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST एंड फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन वेरियस ओकेशंस। देखिए कंपनी को उनका इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, जो GST है अभी जो GST लागू किया गया है वो भी भरना पड़ता है उन्हें, और जो उन्हें कंपनी को और अलग अलग ओकेशंस पे उन्हें फ़ीस भी जमा करनी पड़ती है। वो कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उन्हें टाइम टाइम पे उन्हें फ़ीस भरनी पड़ती है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी नीड है हमें फाइनेंस की। फाइनेंस इज़ नीडेड टू फॉर पेइंग दीज टैक्सेस एंड फीस। तो हमने देखा कि कितने सारे इम्पोर्टेंस है एक कंपनी में, एक फर्म में फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस की। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, जो भी रहेगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।